हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने ESIC से एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 के अंदर, उससे रिलेटेड अभी तक पिछले 3 वीडियो मिलाकर 150 के आसपास क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, उनके आंसर के सहित, उनके रेशनल के सहित। अब जो है अगला फोर्थ पार्ट लेके आया हूँ। दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग हमारे पास 250 क्वेश्चन हैं, 150 हो चुके हैं, 50 इसमें बताने वाला हूँ और एक लास्ट पार्ट बचेगा, पांचवा पार्ट, जिसमें हम मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एक बार देख लेंगे क्या आंसर है और जो सॉल्व करने लायक होंगे उन्हें सॉल्व भी कर लेंगे। और ये फोर्थ पार्ट है दोस्तों। और अगर आप इसी तरह ESIC की तैयारी करना चाहते हैं और ESIC में नर्सिंग ऑफिसर बनना आपका सपना है, तो आपके सपने को साकार करने के लिए मैं अगर आपकी कुछ मदद कर पाऊँगा तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जितने भी नोटिफिकेशंस हैं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको पता चलेगा किस तरह से ESIC का पेपर आता है, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, करते हुए वीडियो को पूरा देखते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी ESIC में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स, हम दूसरों का मदद करके ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 48 क्वेश्चन रह गया था पिछले वीडियो में। ब्रुंजेस की साइन पूछा है ना, ब्रुंजेस की और कर्णिक साइन जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? मेनिंजाइटिस में होते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव डिमोलिशन ऑफ CNS न्यूरोन, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटाइनल डिटैचमेंट इज, रेटाइनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? डिजनरेटिव चेंजेस इन द रेटाइना एंड विट्रस। इफ पालपेटिंग द ट्रेगस और ओरिकल कॉजेज पेन, द प्रॉब्लम इज, ओरिकल यानी कि जो ट्रेगस है हमारा, इस तरह से ट्रेगस, ये कान है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओरिकल को, इस ये बाहर का जो हिस्सा है ओरिकल बोलते हैं उसको, अगर इसको पालपेट करने पर दर्द हो रहा है तो क्या हो सकता है? ऑटाइटिस एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेजेस, मायोकार्डियल डैमेज के लिए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? तो ट्रोपोनिन आई हमारा आंसर जाएगा, बहुत ही सही जवाब। और इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इज अ साइन ऑफ, ऐसा कौन सी बीमारी है जिसके अंदर इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन देखने को मिलता है? तो आर्टियल ऑक्लूसिव डिजीज में ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके बाद सक्शन का प्रयोग करते समय आपको क्रीम में से क्या करना चाहिए? व्हाट शुड डू व्हेन सक्शनिंग द पेशेंट, कैथेटर डालते रुक 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 के सक्शन करना चाहिए? नहीं, हर 10 मिनट से अधिक अधिक भी नहीं करना है। कैथेटर डालते समय बार बार सक्शन लगाना चाहिए? नहीं, सक्शन लगाने की प्रक्रिया से पहले और बाद में रोगी को, फेफड़ों को ऑक्सीजन, यानी कि 100% ऑक्सीजन हमें सक्शन करने से पहले और उसके बाद देनी होती है। सक्शनिंग का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिसने नहीं देखा वो जाकर वीडियो देख लें। मैस्लो के हायरार्की के अनुसार स्वयं के साथ साथ दूसरे लोगों द्वारा अच्छी तरह सोचा जाना इनमें से किसके अंदर आता है? तो कि मेरे बारे में सब अच्छा सोचे, तो उसमें क्या होता है? एक इज्जत फील होना, तो आता है सेल्फ इस्टीम के अंदर, ठीक है, इंसान का सेल्फ इस्टीम आ जाता है। उसके बाद अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्ट एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लोथ टू ड्रॉन अट्रैक्शन टू हिमसेल्फ, द डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि अनअट्रैक्टिव मैन, यानी कि जो मैन अनअट्रैक्टिव नहीं है वो क्या करता है? महंगे और स्टाइलिश कपड़े लेता है अपने लिए। इस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? कंपेंसेशन, यानी कि अपन शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम कपड़े तो अच्छे पहने, ठीक है। कुछ लोगों की शक्ल भी अच्छी नहीं होती, बात भी अच्छी नहीं करते और कपड़े भी अच्छे नहीं पहनते, ठीक है। पता नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने असल ज़िंदगी में। तो चलिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी है, माफ़ी चाहता हूँ, मजाक के लिए हैं, ठीक है, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सचेत जागरूकता से अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं की स्वैच्छिक अस्वीकृति को क्या जाना जाता है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यानी कि सचेत जागरूकता, यानी कि अपने मुझे वो वर्ड याद नहीं रहा है, सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, सप्रेशन कहते हैं। ऐसी जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं उनको अमन जो है सप्रेस करके रखते हैं। ऐसी कुछ जैसे कि किसी का रेप हो गया है, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर, जिसमें सब कुछ अच्छे से समझा रखा है। किसी का रेप हो गया तो क्या करता है? उसको सप्रेस करके रखता है, उसको बुला देता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सप्रेशन। अ मेंटल इलनेस स्पेसिफिक टू सर्टेन इंडियन पॉपुलेशन वेर इट इज सीवियर एंगजाइटी एंड हाइपोकॉन्ड्रिकली कंसर्न एज, ठीक है, धात अ मेंटल इलनेस, ये एक मेंटल इलनेस है, इसके अंदर इंडियन पॉपुलेशन वेर इट इज सीवियर एंगजाइटी एंड हाइपोकॉन्ड्रिकली
इसके अंदर क्या है, सीवियर एंगजाइटी होती है और हाइपोकॉन्ड्रियासिटी देखने को मिलती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिटी मतलब क्या, हाइपोकॉन्ड्रिक यानी कि डॉक्टर शॉपिंग कर सकता है, वो बार बार डॉक्टर को दिखाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर फर्मली मेंटेन इवन दो दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। देखो फॉल्स फिक्स बिलीफ, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है आपको दोस्तों, वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ जाकर देखें आप। फॉल्स फिक्स बिलीफ के बारे में मैंने बताया था, डिल्यूजन डिल्यूजन एंड डिल्यूजन, ठीक है, झूठे मक्कार विश्वास जिसको कोई बदल नहीं सकता, और इनमें से कौन सा अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर, बीपीएडी बोलते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, नाम में पता चल रहा है, जो फोबिया है और जो सोमेटोफॉर्म है, जो शिजोफ्रेनिया है, ये अफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, ओके। उसके बाद ये हो गया है, द टर्म रिसोर्सफुलनेस इम्प्लाइज, रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जवाब है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या कह सकते हैं, रिसोर्सफुलनेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, स्क्रीनिंग करना, अर्ली डिटेक्शन, क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, ये सब क्या है, सेकेंडरी इलनेस के पार्ट, सेकेंडरी मेंटेनेंस प्रिवेंशन के पार्ट है, रिहेबिलिटेशन जो है टर्चरी प्रिवेंशन का पार्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद द पॉपुलेशन टारगेटेड बाय इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इज, इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन की जो पॉपुलेशन टारगेट होती है वो हाई रिस्क इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि जिनको भी रिस्क ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, GAS का फुल फॉर्म क्या होता है स्ट्रेस के मामले में, तो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, गैस वो वाली नहीं है, इंडियन और भारत वाली गैस नहीं है। तनाव के शरीर में अनुकूलन का तीसरा चरण इनमें से कौन सा है, यानी कि स्ट्रेस से जब हम वो करते हैं डिफेंस, तो पहले क्या होता है, थकान थकावट हो जाती है, द थर्ड फेज ऑफ बॉडीज अडेप्टेशन टू स्ट्रेस, ठीक है, थकावट, ठीक है, टायर्डनेस, राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है डॉक्टर जैसी, ठीक है, थर्ड फेज हो गया है तो एग्जॉशन, ओके, एग्जॉशन इज द अदर नेम ऑफ टायर्डनेस, इंग्लिश भी मेरी अच्छी है देख लीजिए, इंग्लिश में पर्यायवाची यूज़ कर रहा हूँ मैं। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स ऑल्सो नॉन एज न्यूरोलेप्टिक ड्रग का दूसरा नाम है एंटीसाइकोटिक दोस्तों, एंटीसाइकोटिक यूज़ की जाती है शिजोफ्रेनिया में, मेनिया, डिप्रेशन आदि जो है बीमारियों में, और मेनली हम शिजोफ्रेनिया की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक इन विच थिन इंसल्टेड लेड वायर इलेक्ट्रोड्स इज सर्जिकली इम्प्लांटेड इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर सर्जिकली इम्प्लांट करना वायर का, उसको बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ठीक है। अ स्केल दैट कैन नॉट बी यूज टू असेस द सब्जेक्ट ऑफ मूड डिसऑर्डर इज, मूड डिसऑर्डर के लिए हैमिल्टन यूज़ कर सकते हैं, बैकफील्ड यूज़ कर सकते हैं, बैक इन्वेंट्री यूज़ कर सकते हैं, या एडिनबर्ग इन्वेंट्री नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। और नेगली रूल पूछा है, ठीक है, निगेल नियम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, प्रसव की अनुमानित तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए, ओके, ये हो गया है। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस इज, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का कारण क्या है दोस्तों, क्या है कारण, गार्डनरेला वेजाइनलिस, ठीक है, इसमें सब में से यही वेजाइनलिस नाम है तो इसको आप टिक करके आ सकते हो, ठीक है, बहुत बार ऐसे गलत भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखें। विच ऑफ द बिलो इज अ कन्फर्म इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का कन्फर्म इंडिकेशन क्या है, फिटल हार्ट इन अल्ट्रासोनोग्राम, ठीक है, फिटल हार्ट साउंड अगर आ रही है तो कन्फर्म इंडिकेशन है, ठीक है। और फोलिक एसिड क्यों देते हैं, तो तंत्रिका तंत्र जो नली है उसमें दोष नहीं हो, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फोलिक एसिड की टेबलेट माँ को दी जाती है, ठीक है, बिफोर कंसेप्शन, वन मंथ बिफोर कंसेप्शन स्टार्ट कर दी जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूट्राइन कॉन्टेक्शन और पेन इज नो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इंटीग्रेट, अगर ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, कोई यूट्राइन कॉन्टेक्शन नहीं है, कोई भी सर्विक्स का डायलेटेशन नहीं है, तो हम क्यों बोलेंगे उसको, थ्रेटन अबॉर्शन। अबॉर्शन के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मतलब आधा ESIC का नर्सिंग ऑफिसर तो आपको पहले ही बना रखा है मैंने, आधा ही बनना बाकी है आपको, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से ऑलरेडी कवर्ड है हमारे चैनल पर, तो जाकर के देखें आप उस वीडियोज़ में, साइकेट्रिक के पार्ट उसमें होगा, साइकोलॉजी साइकेट्रिक अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। और विच ऑफ द बिलो इज़ ट्रू
रिगार्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में क्या सच है? इट इज़ कॉल्ड एज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि सिंपल है। गेस्टेशन का मतलब क्या? प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। हेल्प सिंड्रोम में कौन सा घटक नहीं है? हीमोलाइसिस, ठीक हो, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, इंक्रीज लीवर एंजाइम, प्रति वजाइनल पर वजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, प्लेटलेट की कम गिनती, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो वजाइनल जो ब्लीडिंग है उसमें कोई वी आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो दिस इज़ रॉन्ग आंसर, मतलब एग्जाम के लिए राइट आंसर है। और द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन कौन से इवेंट होते हैं? सबसे पहले डिसेंट होता है, फिर फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग और एक्सटेंशन, इस तरह से होता है, ठीक है। डिसेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, थ्रू आउट लेबर चलती रहती है। और नेक्स्ट इज शुल्ट्स मेथड एंड मेथ्यू डंकन मेथड डिस्क्राइब, मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ये शुल्ट्स मेथड और मेथ्यू डंकन मेथड क्या है? प्लेसेंटा के डिटैच होने की एक प्रोसेस है, ठीक है, मेथड है। उसके बाद है हमारा द फाइन डाउनी हेयर नॉर्मली फाउंड अबंडेंटली इन द प्रीमैच्योर बेबी। जो बाल पाए जाते हैं उनको लेनिगो कहते हैं, ठीक है। ये पीडिया का क्वेश्चन आ गया है, पीडिया को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। उसके बाद सॉरी मैन, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉग ट्विन बींग बॉर्न। कब लॉग ट्विन बॉर्न होने की पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट ट्विन हैज़ ब्रीच एंड सेकेंड ट्विन हैज़ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये दोनों की प्रेजेंटेशन अगर अलग अलग होगी तो फिर हमको उसके जो है लॉग ट्विन जो है नॉर्मल जेनिटल डिलीवरी से बॉर्न हो सकते हैं। लोकेशनल एमनोरिया एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय प्रिवेंशन ओवेट ब्लीडिंग। लोकेशनल एमिनोरिया किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करता है? ओवुलेशन को रोक करके। रिपीटेड इन्वॉलेंट्री और इंटेंशनल पासेज ऑफ फीसेस बाय अ चाइल्ड इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस आफ्टर एज ऑफ व्हेन बाउल कंट्रोल इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड। यानी कि फीसेस का पासेज कर रहा है एक बच्चा, तो एनकोप्रेक्सिस कहते हैं। ये यूजुअली बॉयज के अंदर कॉमनली देखने को मिलती है, फीमेल के अंदर लेस कॉमन है, ओके। एनकोप्रेक्सिस और एन्यूरियासिस, एन्यूरियासिस भी मेनली जो है बॉयज़ के अंदर ज़्यादा कॉमन है, फीमेल के अंदर कम है। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज, सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी बीमारी? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। आगे बढ़ते हैं। अ नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन द बर्थ एट द वन ईयर ऑफ एज। बॉडी लेंथ के अंदर 50% इंक्रीज हो जाता है एक ईयर के अंदर। और उसके बाद है माइक्रोसिफेली इज डायग्नोस्ड व्हेन द हेड सर्कमफेरेंस इज लेस देन, ठीक है। माइक्रोसिफेली कब कहेंगे? 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है तो माइक्रोसिफेली हम कह सकते हैं। द एंटीरियर फ्रंटेनल क्लोज इज बाई, ठीक है, जो पोस्टीरियर होता है वो 1.5 मंथ पे क्लोज होता है और एंटीरियर होता है वो 1.5 साल पे क्लोज होता है, यानी कि 18 मंथ, ठीक है। यहाँ पर 9 से 18 मंथ दे रखा है, वो भी सही है। और उसके बाद न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग, मीन न्यूबॉर्न मैच्योरिटी की जो रेटिंग है वो होती है यूजिंग बेलार्ड स्कोर, ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट इट। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ फिटल एंड न्यूनेटल डेथ पर 1000 बर्थ, इसको क्या बोलते हैं? पेरीनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी बोलेंगे। पुअर स्किन टारगेट इन यूनिट्स एंड इन्फेंट इंडिकेट, पुअर स्किन टारगेट है तो क्या पता चलेगा? डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी की कमी है, पानी पिलाओ, ठीक है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। और एयर ब्रोंकोग्राम इज एक्सरे सीन इन केस ऑफ, एयर ब्रोंकोग्राम कब देखते थे? देखते हैं हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS, एक बीमारी है उसके अंदर हम देखते हैं। ये एक पीडिया का क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब सॉलिड फूड देते हैं हम ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, तो 6 मंथ पे विनिंग स्टार्ट होती है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट हो जाती है बाद में, सॉलिड फूड जब देते हैं तब। और नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3 ईयर द डेवलपमेंटल स्टेज अकॉर्डिंग टू फ्रूट थ्योरी, फ्रूट थ्योरी के अनुसार एनल स्टेज होती है 1 से 3 साल के बीच में, ओके। द डायमेंशन ऑफ हेल्थ कंसर्न विद प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इज कॉल्ड, प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के साथ जो डायमेंशन रिलेटेड है वो है फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, फिजिकल सोशल मेंटल स्पिरिचुअल सारी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज़ ए मोर्टेलिटी इंडिकेटर, क्रूड डेथ रेट जो है मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? मृत्यु दर, ठीक है, मोर्बिडिटी का मतलब डिजीज़ के होने की दर। अ फुल फॉर्म ऑफ डेली इन कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इज़,
डेली की फुल फॉर्म क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट रेफरल लेवल सिस्टम हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, सेकेंडरी हेल्थ केयर। ठीक है, फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज सेकेंडरी हेल्थ केयर, और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए हमें रेफर करना पड़ेगा। इसका मतलब विच इज़ नॉट अ हाई रिस्क फैक्टर दैट माइट अफेक्ट द वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी। चेस्ट डिजीज होगी तो अफेक्ट करता है, ट्रॉमेटिक इंजरीज भी अफेक्ट करती है, माल न्यूट्रिशन इतना अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और एलर्जी से संबंधित रोग भी अफेक्ट नहीं करते। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग हैजार्ड्स इन द स्कूल सेटिंग। हैजार्ड स्कूल सेटिंग में हैजार्ड को कौन सा हेल्प नहीं करता है? तो द स्कूल शुड बी बिल्ट नियर द सोर्स ऑफ नॉइस। ठीक है, सोर्स ऑफ नॉइस के पास में नहीं होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, फूड सप्लाई भी बराबर होनी चाहिए दोस्तों। और द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर्स इन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। द रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज इज ऑब्टेन फ्रॉम कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे यहाँ पे चार जो है हमने पार्ट देख लिए हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट बचा है पांचवा, जिसमें मैथ रीजनिंग जीके के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।